गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्य गार्डनिंग चैनल में। इस बार मैं रेनुकुलस के बल्ब के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी प्राइस कितनी होती है रेनुकुलस की और कब लगाएं और कब से कब तक ये फ्लावरिंग करता है। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका बल्ब होता है ना कि बीज होता है, ये प्रूफ करके दिखाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बल्ब को सुरक्षित रखें, रेनुकुलस का जो बल्ब है इसको कैसे हम सुरक्षित रखें। तो देखिए, जैसे कि ये बल्ब है, ये मेरे पास दो बल्ब हैं, तो ये जब प्लांट जब पूरा सूख जाए ऊपर का, ये जो लोग जिसको लोग बीज की तरह समझते हैं, जब ये पूरा सूख जाए तब आपको प्लांट उखाड़ लेना है इसको जड़ से, तो आपको इस तरह नीचे बल्ब मिलेंगे। जैसे कि एक और ये व्हाइट कलर का जो फ्लावर आया था मेरा, इसमें देखिए बल्ब नहीं, लेकिन देखिए इसमें आईज हैं, छोटी छोटी आईज हैं ये, तो ये इसको मैं सुरक्षित रख लूँगा, ये भी सुरक्षित हो जाएगा। इसको सुरक्षित रखने के लिए आपके दो या तीन तरीके हैं, आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट है, अगर कोकोपीट नहीं है तो आप इससे कोकोपीट निकाल सकते हैं। इसको आप जब आप कस के फाड़ेंगे और मिक्सी में पीसेंगे तो आपको कोकोपीट मिल जाएगा। अगर ये ना मिले आपको तो आप क्या कर सकते हैं, ये अगर ना मिले आपको तो आप कारपेंटर की शॉप में जाके उससे आप बुरादा भी ले सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास कोकोपीट है, ये मैंने इकट्ठा किया हुआ है इसमें, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये मेरे पास एक पॉली पैक है। अगर ये ना हो आपके पास इस तरह का, तो आप सिंपल पॉलीथीन लेकर के उस पर नॉट भी लगा सकते हो, तो उससे एयर भी रहेगी, उसमें छेद भी नहीं करना पड़ेगा आपको। तो मुझे करना क्या होगा, इसको आप थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें। डालने के बाद इसको आप बल्ब को आप इस तरह इसमें छोड़ दीजिए, फिर से आप ऊपर थोड़ा सा और डाल दीजिए। सेकेंड बल्ब को भी आप इसी तरह रख दीजिए इसके अंदर। और इसको भी इसी तरह आप रख कर इसको बंद करके इसमें आप छेद कर सकते हैं अगरबत्ती से, तीन या चार इस तरह छेद कर दीजिए और इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। आपको फ्रीजर में नहीं रखना है, आपको फ्रिज में रखना है इसको। अगर आपके पास एक कोकोपीट और वो भी नहीं है तो आप आपको मैं आप दूसरा एक और भी तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, कोकोपीट भी नहीं है और कारपेंटर के यहाँ से आप वो भी नहीं ला पा रहे हैं अगर लकड़ी का बुरादा, तो आप ये कॉटन क्लॉथ कोई भी आप ले करके इसको आप उसमें रैप कर सकते हैं इस तरह से। रैप करने के बाद आप जो पानी से इसको भिगो दीजिए, पानी इसमें आप डाल दीजिए एक बार। अब आप इसको इसी एल्युमिनियम या ये पॉलीथीन के अंदर रख करके आप फिर से आप फ्रिज में रख सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप इसको साल भर के लिए बचा के रख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप फिर से इसको लगा सकते हैं। देखिए मेरे एडेनियम के फ्लावर कितने अच्छे आए हुए हैं, तो मैं जल्दी इसकी सीरीज चालू करने वाला हूँ, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम होती है कि एडेनियम जो है सड़ जाता है। तो ये इस तरह से मैं बताऊँगा कि आपका प्लांट कभी सड़ेगा ही नहीं। तो आगे आने वाले वीडियो मेरे देखते रहिए, और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।